केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव को एक साल बचा हुआ है और अभी से ही सभी अपनी अपनी पार्टी का दमखम और अपनी पार्टी की तरफ से दावेदारी करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केलांचल टाइम्स ने महागामा विधानसभा की ओर रुख किया और यहाँ पर दिग्घी पंचायत तीन टर्म के मुखिया अब्दुल हक उर्फ बबलू मुखिया, जो लगातार 2010 से मुखिया के पद पर कार्यरत है, और यूं कहें कि इनके पिताजी भी पूर्व में प्रमुख रहे हैं महागामा प्रखंड से, या यूं कह सकते हैं कि राजनीति में इन्हें विरासत से मिली है। और क्योंकि राजनीति से इनका पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए क्षेत्र के लोग भी इन्हें प्यार करते हैं और यही कारण है कि लगातार तीन टर्म से ये यूं ही मुखिया के पद पर हैं। इनसे केलांचल टाइम्स की टीम ने खास बातचीत की और इनकी राजनीति की शुरुआत के बारे में भी जाना है। देखिए एक रिपोर्ट में। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं 2000 से ही राजनीति में आया हूँ। इसके पहले पिताजी महागामा प्रखंड के प्रमुख रहे हैं और जनप्रतिनिधि का आना जाना हमारे ग्राम में या इस इलाके में जिसका भी आगमन होता था वो आते थे और मिलना जुलना हो ही रहा था, तो कुछ तो समझ ही रहे थे पहले से कि राजनीति क्या चीज़ होती है। और चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो या अदर पार्टी जो भी हो, सबका इस दरवाजे पे आना जाना होता था। 2010 में मुखिया का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, उसमें मैं मुखिया से प्रत्याशी था और जीत भी हासिल हुई और लगातार 15 में भी और 22 में भी। तो ये इलाके का कोई भी व्यक्ति नहीं जानते हैं सो बात नहीं है, चाहे वो महागामा विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मेरा भ्रमण होता ही रहता था। और पूरे विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्य जो भी हैं वो तो पहचान ही रहे हैं करीब करीब। अगर हम बात करें आपके मुखिया के कार्यकाल का, तो पांच ऐसे काम जो आपने अपने पंचायत के लिए सबसे बेहतर किया। सबसे पहले तो पंचायत भवन का ही आप देख लीजिए, जीर्णोद्धार या बिल्डिंग, मुखिया बनने से पहले मेरे ही रेख देख में पंचायत भवन बना। उसके बाद यहाँ पे 10-15 PCC सड़क, पेवर ब्लॉक, नाली, स्कूल का घेराबंदी, उसके बाद एक हमारे पंचायत में ग्राम बकनपुर है वहाँ पे एक धर्मशाला है, तो वहाँ उस जगह का भी मैंने जीर्णोद्धार किया, रोड दिया, सामुदायिक शौचालय दिए, बहुत तरह का यानी के कार्य वहाँ पे भी हुआ है। और ये नहीं कह सकते हैं कि बबलू ने भेदभाव इस मोहल्ले में किया या किसी वार्ड को छोड़ दिया गया। 14 वार्ड है, 14 वार्ड में सामान्य काम है। बबलू मुखिया पंचायत की राजनीति से विधानसभा की राजनीति में आ रहे हैं। 2022 में आपने AIM को ज्वाइन किया, आखिर AIM ही आपका ठिकाना क्यों? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उस सबको लेके चलते हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी समुदाय के लोगों को लेके चलते हैं। इसलिए हमने सोचा कि मैं तो किसी पार्टी का सदस्य हूँ नहीं, तो बेहतर समझा कि AIM ही मैं ज्वाइन करूँ। आपने AIM 2022 में ज्वाइन किया है, 2022 से लेकर आज तक आपका क्या गतिविधि रहा है संगठन? देखिए, यहाँ तो पहले जो जिला अध्यक्ष थे जहांगीर साहब, तो वो भी मुखिया बन गए। उसके बाद मुखिया बनने के बाद जो 2019 में चुनाव हुआ तो अशोक सिंह लड़े, उसके बाद जो है थोड़ा सा मायूसी तो आई ही कि जो है चुनाव में जो भी रिजल्ट हुआ वो सबके सामने में है, तो संगठन का काम जो होना चाहिए था उस ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो साल भर से जो संगठन का कार्य चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है और जनसंपर्क अभियान पूरे विधानसभा में चल रहा है और सदस्यता अभियान भी चल रहा है।
आपका विधानसभा के चुनाव को लेकर गतिविधि कैसी है, कैसा आपका क्षेत्र का दौरा या क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना हो रहा है? देखिए, महागावा में AIM को मजबूत करना है। अच्छा। अब विधानसभा में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जनाब साकिर साहब का या जितने भी पदाधिकारी हमारे इस पार्टी के हैं, जो निर्णय होगा वो मान्य होगा और AIM को मजलिस को मजबूती से लड़ा जाएगा। और यहाँ पे जो है गोड्डा जिला में 3 विधानसभा है, 3 विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी का भी नज़र है कि उस गोड्डा भी पुड़िया भी जो भी हो, या वो तो 81 विधानसभा है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कहाँ से कहाँ कैंडिडेट देना है। तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है और प्रदेश अध्यक्ष का मामला। महागामा की जनता AIM को या अगर आप प्रत्याशी होते हैं बबलू मुखिया को वोट क्यों करें? राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर आदेश होगा कि नहीं बबलू ही महागामा विधान से लड़ेगा तो मान्य होगा, या अगर और किसी को देंगे तो उसके साथ हम मिलकर सहयोग करेंगे, पूरे महागामा विधानसभा में सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बबलू को ही क्यों, तो मेरे वालिद साहब का भी इस महागामा विधानसभा में बहुत ऐसा काम है जो कि वो भुलाया नहीं जा सकता है। और मैं 3 बार से लगातार दिग्घी पंचायत का सेवा कर रहा हूँ और इलाके में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं होती है उसमें भी बढ़ चढ़ के जाते हैं, और इस पंचायत का जो भी दूसरे पंचायत में मामला होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे हाजी तमीज साहब हैं, शिरकान जी हैं, डॉक्टर शिरकान साहब हैं, या हमारे उप मुखिया हैं अभी वर्तमान पूर्व उप मुखिया सादिक, हम लोग सब कोई जाते हैं, उधर वार्ड सदस्य हैं हदीस जी, सब कोई जाते हैं कि मेरे गांव का मामला है, इसको समाज में ही बैठ के निदान कर आगे कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। और ये पूरे भी महागामा विधानसभा में कौन ऐसा गाँव नहीं है कि जो कि हम फैसला के लिए नहीं गए हैं या हमको नहीं जानते हैं। ऐसी बात जो है आप बोले कि किस बिना पे जो है आपको सहयोग करेंगे, तो मेरा कार्यशैली को देखते हुए आवाम सपोर्ट करें जी। चलिए, महागामा विधानसभा के लिए या इस क्षेत्र के लिए आपका मैनिफेस्टो या आपकी सोच क्या है, काम को लेकर क्या काम आपका मुद्दा होगा? काम तो देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोड, सड़क, ये आम मुद्दा है जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अभी हमारे यहाँ पेंशन, अभी हमारे यहाँ जो है एक योजना चलता है MSDP। बिल्कुल, MSDP से जब राजेश रंजन जी विधायक थे तो हमने एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया बगल में, तो MSDP से ही हुआ है। जब अशोक जी थे तो वो कुछ फंड को मेहरमा गंगटी, जबकि वो जाना नहीं था, पावर दिखा के ले जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन माइनॉरिटी के ही हक में वो राशि को लगना था, मुस्लिम एरिया, वो राशि ही वही है क्या MSDP जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, जैसे गोड्डा जिला में 2 प्रखंड है, बसंतरा है और महागावा है, तो इस दोनों प्रखंड में ही खर्च होना था। तो अभी जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको मौका आगे मिलेगा तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल वगैरह जो भी है वो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को प्रमोट करेंगे। यस। चलिए, दूसरा, राजनीति कर रहे हैं वो चीज़ नहीं होगा और हमारे पंचायत में भी नहीं है, सब को लेके चले हैं, इलाके भी में भी चल रहे हैं। अभी का तो माहौल ही है कि हमको पद चाहिए, तो कैसे चाहिए, तो हर जगह तो आजकल देख ही रहे हैं कि आज न आज यहाँ कल वहाँ इस तरह का होते ही रहता है, उस चीज़ पे काबू किया जाएगा। तीसरा तो है कि हमारे पंचायत में जो भी घटना हुआ है समाज में ही बैठ के किए हैं, 15 साल में 2-3 केस मात्र थाने में जाने दिए हैं, उसी तरह से पूरे विधानसभा में होगा, केस थाने तक नहीं पहुँचेगा, समाज में ही फैसला होगा। युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? जो युवाओं के लिए तो जो अभी चल रहा है कि नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसके लिए बेहतर कार्य किया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स।